हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिलियन डॉलर और ट्रिलियन डॉलर के नोट। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ट्रिलियन होता कितना है। 10 लाख को कहते हैं मिलियन और 1000 मिलियन से बनता है बिलियन। 1000 बिलियन मिलकर एक ट्रिलियन बनाते हैं, यानी एक ट्रिलियन के अंदर 12 जीरो होती हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो एक ट्रिलियन बराबर होता है 10,000 करोड़ के। बिलियन डॉलर के नोट इशू किए गए थे अफ्रीका के एक देश जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे में आपको जगह जगह नेचुरल रॉक फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। ऐसा लगेगा मानो कुशल कारीगरों ने मिलकर बड़ी मेहनत से इन रॉक्स को ये डिजाइन दिया है। ये बैलेंसिंग रॉक्स ही यहाँ के नोटों पर दर्शाई गई है। ये है 10 बिलियन डॉलर का नोट, लेकिन 2009 में महंगाई के कारण इसकी परचेजिंग पावर बहुत कम थी। बड़ी मुश्किल से लोग बिलियन डॉलर का नोट खर्च करके एक ब्रेड का पैकेट ही खरीद पाते थे। महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार ने बिलियन के बाद ट्रिलियन वैल्यू के नोट इशू किए, लेकिन अगेन महंगाई उतनी ही बढ़ गई और इन ट्रिलियन वैल्यू के डॉलर की नोट भी घटकर मामूली सी रह गई। आखिरकार हारकर सरकार को ये ट्रिलियन डॉलर के नोट स्क्रैप करने पड़े और इनकी जगह पर नया करेंसी सिस्टम लाया गया और अब वहां पर ये नए नोट इशू किए गए हैं। और अब देखिए प्लेइंग कार्ड्स पर आधारित बैंक नोट, यानी कि इन नोट्स को आप प्लेइंग कार्ड्स की तरह उल्टा या सीधा पकड़ सकते थे, दोनों साइड से एक जैसे थे। इन नोट्स को कहते थे क्रूजीरो। क्रूजीरो ऑफिशियल करेंसी थी ब्राजील की 80 के दशक में। ब्राजील के ये नोट अपने आप में अलग ही तरह के नोट थे। पर्पसफुल्ली डिजाइन किया गया था इन नोट्स को। इवन जो बैक साइड की इमेज थी उसको भी बड़े ध्यान से डिजाइन किया गया था। हर नोट पर 2 वाटरमार्क थे, एक उल्टा और एक सीधा, ताकि हर नोट दोनों डायरेक्शन में एक जैसा दिखाई दे। लेकिन ब्राजील के अंदर कई बार डीमोनेटाइजेशन हो चुकी है और अब वहां की करेंसी है रियल, यानी कि ये वाले नोट। अगली पेशकश है कुक आइलैंड से। कुक आइलैंड न्यूजीलैंड की एक टेरिटरी है। यहाँ के नोट पर जो ये इमेज दर्शाई गई है ये ली गई है यहाँ की एक लोक कथा से। ईना नाम की युवती को अपने प्रेमी से मिलने एक टापू पर जाना था। उसकी हेल्प करने के लिए एक शार्क मछली रेडी हो गई और ईना को अपनी पीठ पर बैठा लिया। ईना के पास कुछ नारियल थे। रास्ते में प्यास लगने पर ईना ने एक नारियल को तोड़ना चाहा और उसे तोड़ने के लिए शार्क के सिर पर दे मारा। इससे शार्क मछली नाराज हो गई और ईना को रास्ते में ही डुबो दिया। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि डोंकी की पिक्चर बैंक नोट पर होगी, वो भी टॉयलेट करते हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में इमरजेंसी के हालात थे। उस समय वहां के लोकल बैंक्स और अथॉरिटीज ने अपने अपने हिसाब से नोट इशू किए। उसी समय ये फनी नोट भी जारी किया गया था। और अब देखिए 0 यूरो के नोट। हालांकि ये लीगल टेंडर नहीं है, ये केवल एक सोवनियर आइटम्स है, लेकिन इन नोट्स को प्रिंट करने के लिए सेम पेपर यूज किया जाता है जिस पर यूरो के नोट प्रिंट होते हैं। और इनमें सिक्योरिटी फीचर्स भी ओरिजिनल नोट्स की तरह ही है। आपको अनेक तरह के 0 यूरो के नोट मिल जाएंगे और आप इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लास्ट में आपको दिखाते हैं एंटार्कटिका के नोट। ये है 2 डॉलर का नोट। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि क्या एंटार्कटिका में लोग रहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वहां केवल बर्फ ही बर्फ है। ये केवल एक सोवनियर आइटम है और एंटार्कटिका में जो सर्च एक्सपेडिशन चलते हैं उनको फंडिंग करने के लिए ये इश्यू किए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।